अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप इस बेल पर क्लिक कर देते हैं तो जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। आज हम बनाएंगे एगलेस मैंगो केक, जिसको हम तैयार करेंगे विदाउट अवन, विदाउट बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और आप देखेंगे कि इसे बनाना बहुत ही ईजी है। मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जिसका फ्लेवर सभी को बहुत पसंद आता है, और मैंगो का सीज़न इस समय चल रहा है, तो आप भी इस केक को अपने घर पे बनाएं, और आपका जो भी एक्सपीरियंस रहे वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आप शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.cookwithmansi.com। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप ऑयल। मैं यहाँ ऑयल ले रही हूँ, आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। 1 कप मैदा, मिल्क जितनी हमें ज़रूरत होगी उस अकॉर्डिंग हम मिल्क इसमें ऐड करेंगे। मैंगो एसेंस, इनो, क्योंकि हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैंगो प्योरी, आम को मैंने मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लिया है। 1 कप पाउडर्ड शुगर, जितनी आपने मैदा ली है उसी अकॉर्डिंग आपको शुगर लेनी है। तो सबसे पहले हम ऑयल में शुगर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जितनी आप मैदा लें उतनी ही आपको चीनी लेनी है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं जितना मीठा केक आपको खाना पसंद है। क्योंकि हम इसकी अभी आइसिंग भी करेंगे तो इस बात का ध्यान रहे कि केक बहुत ज़्यादा मीठा ना हो जाए। ऑयल और शुगर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो प्यूरी। अच्छी तरह से आम को पीस लें, ये लगभग 2 आम की प्यूरी है, और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्स नहीं है, ये देखिए। फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करेंगे मैंगो एसेंस, और फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क आपको रूम टेम्परेचर पे ही लेना है, ठंडा दूध इसमें ऐड नहीं करना है, और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें आधी मैदा ऐड कर देते हैं, सारी मैदा एक साथ ऐड नहीं करेंगे नहीं तो लम्स आ जाते हैं, और इसको मिक्स करेंगे। बैटर अब थिक हो गया है, अब हम फिर से इसमें मिल्क ऐड करेंगे। और जितनी बची हुई मैदा है उसको भी ऐड कर देते हैं, और इसको मिक्स करेंगे। अभी भी बैटर काफ़ी थिक है तो इसमें हम थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर रहे हैं। टोटल हमने इसमें 3/4 कप मिल्क ऐड किया है। अगर हमने 1 कप मैदा ली है तो 3/4 कप हमें इसमें मिल्क ऐड करना है, और आप देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे इनो, और इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे, और अब ये बैटर पूरी तरह से तैयार है। केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं अच्छी तरह से, और उसमें इस बैटर को डाल देते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इसी तरह से हमें रखनी है, रिबन कंसिस्टेंसी। इसे इस तरह से टैप करके इकसार कर लेते हैं, और अब हम इसको 45 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। कढ़ाई को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, केक मोल्ड को इसमें रख देते हैं, और इसे कवर करके 45 मिनट्स के लिए हमें लो और मीडियम फ्लेम पे इसे बेक करना है। फोर्टी
45 मिनट्स हो चुके हैं और केक भी अच्छी तरह से बेक हो चुका है। इसको टूथपिक से हम चेक कर लेंगे। टूथपिक एकदम क्लीन है, केक अब अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब हम केक को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, फिर इसको डिमोल्ड करेंगे। केक अब ठंडा हो गया है। नाइफ की हेल्प से इसकी साइड्स को इस तरह से स्क्रेप आउट कर लेते हैं और अब इसे किसी भी प्लेट के ऊपर हम फ्लिप कर लेंगे। ठंडा होने के बाद केक बहुत ही ईजिली डिमोल्ड हो जाता है। ये देखिए, ये केक बहुत अच्छी तरह से डिमोल्ड हो गया है। बहुत ही सॉफ्ट केक बना है, आप इसको देखिए, इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। ये देखिए कितना ये राइस कर चुका है, बहुत सॉफ्ट है केक। अब इसकी आइसिंग की तैयारी करेंगे। यहाँ मैंने हैवी क्रीम ली है, पहले इसको अच्छी तरह से व्हिप कर लेते हैं। क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हो चुकी है, इसका वॉल्यूम डबल हो गया है। अगर आप प्रॉपर रेसिपी देखना चाहते हैं कि क्रीम घर पे कैसे व्हिप कर सकते हैं, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस पूरी रेसिपी को देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मैंगो प्योरे, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मैंगो एसेंस और थोड़ा सा ही हम इसमें डालेंगे येलो फूड कलर, जिससे इसमें अच्छा येलो कलर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे फूड कलर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मैंगो प्यूरी भी ऐड की है तो क्रीम में लाइट येलोइश कलर आएगा। क्रीम को ब्राइट कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे येलो फ्रूट कलर ऐड किया है। ये देखिए, क्रीम अब अच्छी तरह से व्हिप हो चुकी है, सॉफ्ट पीक्स बन रहे हैं। अब हम केक लेंगे, जिसको हम लेयर्स में डिवाइड करेंगे। जितनी लेयर्स आपको केक की डिवाइड करनी है, उस अकॉर्डिंग आप इस तरह से इसको कट कर लें। ये एक लेयर हमने निकाल ली है, इसी तरह से एक और लेयर हम निकाल लेते हैं। अब हम सबसे नीचे वाली लेयर लेंगे, जिसको मैंने केक बोर्ड के ऊपर रख लिया है। इसको हम थोड़ा सा मॉइस्ट करेंगे मैंगो जूस के साथ, आप कोई भी मैंगो जूस ले सकते हैं, और अगर आपके पास मैंगो जूस नहीं है तो आप इसे शुगर सिरप के साथ भी मॉइस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे व्हिपिंग क्रीम की और इसको अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। क्रीम की एक लेयर हमने सेट कर दी है, इसके ऊपर हम लगाएंगे सेकंड केक की लेयर और फिर से इसको मैंगो जूस के साथ हम मॉइस्ट करेंगे। कॉर्नर्स को भी अच्छी तरह से कवर करना है। फिर से उसके ऊपर एक लेयर लगा देते हैं व्हिपिंग क्रीम की। और इसके ऊपर अब हम रखेंगे फाइनल केक की लेयर और सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए पहले इसको मैंगो जूस से मॉइस्ट करेंगे और अब इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर सेट करते हुए इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अब हम केक को फाइनल फिनिशिंग देंगे। ये देखिए, केक कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। अब हम आइसिंग बैग लेंगे, जिसमें हम लेंगे वाइट कलर की व्हिपिंग क्रीम और स्टार नोजल लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर हमें छोटे छोटे फ्लावर्स बनाने हैं। आप किसी भी तरह से केक को डेकोरेट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। देखिए, और अब इसी तरह से
बॉर्डर बना देते हैं। केक को हमने बॉर्डर दे दिया है। इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे स्ट्रॉबेरी सिरप। आप चाहें तो यहाँ मैंगो सिरप भी ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी सिरप हमने इसके ऊपर डाल दिया है और थोड़े से ही हम साइड में लगाएंगे चॉकलेट चिप्स। मैंगो को कुछ इस तरह से हमें कट करना है और इसके ऊपर हमें इस तरह से सेट कर देना है। थोड़ा सा ही इसके ऊपर हम लगाएंगे सिल्वर बॉल्स। इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे मिंट लीव्स। अब हम केक को कट करके भी देख लेते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है। एगलेस मैंगो केक बनके रेडी है और केक देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब आपके घर में कोई भी ओकेज़न है तो आप बहुत ही इजीली केक को बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी आप ज़रूर शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो वो भी नीचे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।